हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी जो है बच्चों सिक्स क्लास है, और सिक्स क्लास के अंतर्गत कल हम लोग आपका अपना चैप्टर देख रहे थे। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके थे ग्लोब, और ग्लोब में बेसिकली अक्षांश और देशांतर रेखाओं की हम लोग आपका बात कर रहे थे। ठीक, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इन सभी को हम लोग एक एक करके आपका गौर करके हम लोग इनको पढ़ रहे थे। तो कल हमने सबसे पहले ग्लोब के विषय में पढ़ा कि ग्लोब क्या होता है, कैसे उसकी स्थिति है, इन सभी पर हमने बात कर ली थी। ठीक, और हमने साथ में ये भी देखा था कि जो विषुवत वृत्त कहाँ है, कैसे आपका 90 डिग्री पर बटा हुआ है, इस पर हम लोग अपना बात कर रहे थे और इसको देख रहे थे। चलिए आज पुनः फिर मैं आपको एक बार मान लीजिए ये आपका वृत्त है, आपके अर्थ है, और अर्थ के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है जिसको मैंने नाम भी बताया था विषुवतीय वृत्त, विषु रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये गुजरती है 0 डिग्री से। इतना समझाया था आपको, कहां से? 0 डिग्री से। और साथ में मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा क्षेत्र होगा इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव। ठीक, और ये होगा दक्षिणी ध्रुव। क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है? यह आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और प्रश्न बन जाए कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है, तो आपको क्लियर होना चाहिए इसको भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा वृत्त कहते हैं। ठीक, इतना याद रहेगा। आगे देखिए, जो इस प्रकार से लाइनें खींची जाती हैं, इन लाइनों को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक, और ये जो लाइन है जो इस प्रकार ग्लोब में खींची होती है, इनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ठीक, याद रहेगा, अक्षांश रेखाओं में, देशांतर रेखाओं में। जब तक कोई कंफ्यूजन है किसी का, एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, क्योंकि कल मैं आपको यही पढ़ा रहा था और यही बता रहा था। देख लिया? चलिए, अब आप देखेंगे, अब कह रहे हैं कि इस प्रकार विषुवत वृत्त उत्तर में सभी रेखाओं को दक्षिण अक्षांश, ये हम देख चुके थे, इसलिए प्रत्येक अक्ष को मानने के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा भी लिखा जाता है। जब भी कोई अक्षांश लिखोगे तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि उत्तर में है क्या आपके दक्षिण में है। ठीक, उत्तर दक्षिण का व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र में चांदीपुर के ब्राजील, ठीक, दक्षिण अमेरिका के बोल्टोज हेरिटेज, दोनों एक ही अक्ष पर स्थित हैं। ये भी दोनों किस पर स्थित हैं? एक ही अक्ष पर स्थित हैं।
ठीक। लेकिन अंतर क्या है, एक 20 उत्तर में है, एक 20 दक्षिण में स्थित है। इसलिए कहते हैं कि चांदीपुर 20 डिग्री उत्तर में स्थित है और बोलो हेरिटेजो 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है, जैसा हम विषुवतीय रेखा में देख चुके हैं। ठीक, ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाओं को हम लोग आपका देखते हैं। ठीक, जो आपकी महत्वपूर्ण रेखा है और बहुत सारी चीजें हैं उनको हम एक एक करके गौर करके देखते हैं। अब कह रहे हैं विषुवतीय वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90, दक्षिणी ध्रुव 90 तथा दक्षिणी के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं भी हैं। कह रहे हैं कि 4 क्या है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं आपका समान भी हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 मकर रेखा, विषुवतीय वृत्त 66.5 उत्तरी ध्रुव और आपका 66.5 पर दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए थोड़ा सा एक निर्धारण और पढ़ लेते हैं। ये इतना देख लिया, यहां तक किसी को डाउट? चलिए मैं पूरे को हटा देता हूं, फिर देखते हैं। ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये बीचों बीच हो गई भूमध्य रेखा, ठीक 0 डिग्री, और यहां इसके ऊपर हो गई 23.5, ठीक, और यहां भी होगी 23.5। अंतर क्या है, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, यार देख लिया, ये वाली जो रेखा है इसको कहेंगे कर्क रेखा और ये वाली क्या है, मकर रेखा। ठीक, लिखिए, दोनों को लिखिए, चित्र बनाइए और लिखिए दोनों को, देख लिया। आगे बढ़ जाएं, चलिए तो कर्क रेखा मकर रेखा हो गया, और ये विषुवतीय वृत्त और मैं दिखा देता हूं 66.5 पर जो स्थित है, देखिए साढ़े छियासठ हाफ ये है विषुवतीय वृत्त। देखिए दोनों को, देख लिया, जैसे कर लें बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र में फैलता है। अगर तुम सीधा मारोगे और पास से मारोगे कम फैलेगा, और वहीं अगर तिरछी सतह से टॉर्च का प्रकाश मार लोगे तो कम तेज होगा लेकिन क्षेत्र में अधिक फैलेगा। यानी कि स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, कि अगर प्रकाश आपको तेज चाहिए तो आपको सीधा रखना पड़ेगा,
और अगर आपको प्रकाश चौड़ा चाहिए लेकिन स्पीड कम हो जाएगी, फलाव कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा। थिक, अब देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध किसके विषय में देख रहे हैं? पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ताप कटिबंध क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो भी हमने पढ़ा है कर्क रेखा मकर रेखा, उसका एक बार वापस से निर्धारण आप लोग देख लें। ये रहा वो चित्र जो हम लोग अभी बनाए थे और हम लोगों ने आपका देखा था, ये वाला चित्र है, गौर करके देखें आप सभी लोग, देख लिया? चलिए, कर्क रेखा दिखाई दी, मकर रेखा दिखाई दी, विषुवतीय वृत्त आपको दिखाई दिया, ठीक। उसके बाद आप देखिए उत्तरी ध्रुव वृत्त आपको देखा होगा 66.5 पर दोनों दिशाओं में। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध। ताप कटिबंध का मतलब है जब पृथ्वी पर टेम्परेचर पड़ता है तो कुछ स्पेसिफिक जोन बनते हैं, उन जोन को ही हम क्या बोलते हैं, आपका कटिबंध कह देते हैं। अब देखिए पृथ्वी घूमती रहती है और पृथ्वी पर सूर्य की किरणें एक समान से नहीं पड़ती पूरी पृथ्वी पर, तो जाहिर सी बात है अगर एक समान नहीं पड़ेंगी तो टेम्परेचर आपका डिफरेंट होगा, और टेम्परेचर आपका डिफरेंट होगा तो वहां का आपको क्लाइमेट, वहां की चीजें सब आपको डिफरेंट मिलेंगी। तो उन्हीं सबको हम लोग आपका मेजर करने के लिए, उन्हीं सबको चीजों को पढ़ने के लिए एक एक करके हम गौर करके इसमें देखेंगे। अब देखिए कह रहे हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य दोपहर में सिर के ऊपर ठीक ऊपर होता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हैं, ठीक है, आप इसको मानचित्र से ही समझ पाएंगे, ये रही आपकी कर्क रेखा मकर रेखा। कहां पर कर्क रेखा है कहां पर मकर रेखा है देखिए, ये है आपकी कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। ये जो बीच का क्षेत्र है इसमें हमेशा दोपहर में सूर्य सर के ऊपर होता है, यानी कि इस क्षेत्र का हमेशा जब भी आप पूरे वर्ष भर देखोगे आपको यही दिखाई देगा सूर्य, ठीक। और सूर्य कभी भी, ध्यान रखना है, इन दोनों से बाहर आपका मूव नहीं करता, इन दोनों के बीच में ही सूर्य की शिफ्टिंग होती रहती है। क्या होती रहती है? इन दोनों की ही शिफ्टिंग होती है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, यही बात कही गई नेक्स्ट में, ठीक। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। अब देखिए जब सूर्य दोपहर में सर के ऊपर चमकेगा और वर्ष भर यही मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में उष्ण, या उष्ण का मतलब है गर्म और कटिबंध का मतलब है जोन, यहां कैसा होगा? उष्ण कटिबंधीय जोन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सर के ऊपर नहीं होता, कह रहे चाहे आपकी कर्क रेखा हो चाहे आपकी मकर रेखा हो, किसी भी अक्षांश पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होगा, यानी के अक्षांश चाहे आप कर्क रेखा पार कर दो या मकर रेखा पार कर दो, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती जहां सूर्य सर के ऊपर पहुंच जाए, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, कह रहे जो आपके ध्रुव हैं उनकी किरणें कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच आने वाले क्षेत्र में तापमान मध्य रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? इसलिए आपका शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, ठीक, कैसा है? शीतोष्ण।
क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कैसा है आपका, कम है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से आपका तापमान कम रहेगा तो शीत अधिक होगी, इसीलिए क्षेत्र को शीतोष्ण कहते हैं। ठीक, देख लिया। चलिए देख लिया। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव में दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त में दक्षिणी ध्रुव के बीच में बहुत ठंडा होता है, इसलिए क्योंकि वहां सूर्य की 36 से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहलाता है। अब देखिए ये क्षेत्र है, अगर आप इसको देखेंगे, अब यहां तक तो होगी गर्म, ये पूरा इतना रीजन जहां मैंने रेड रेड किया है। अब देखिए, अब यहां पर सूर्य की किरणें जितनी तिरछी होती चली जाएंगी इस दिशा में, इधर यहां उतना ही क्या हो जाएगा, यहां शीत क्षेत्र आपका बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा? शीत यानी कि ठंडा क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा, और ठंडा क्षेत्र बढ़ने की वजह से यहां कैसा होगा, शीत कटिबंध, कटिबंध मतलब जोन, यानी कि यहां ठंडा बनेगा। और ये कौन सी बेल्ट है? ये उष्ण कटिबंध है, ये पूरी क्या होगी, उष्ण कटिबंध की बेल्ट है इतनी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी है, उष्ण कटिबंध वाली बेल्ट है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, और उष्ण कटिबंध होने की वजह से ही ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो मैं चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार ये मैप बना लीजिए जो आपका चित्र दिया हुआ है, ताकि आप ये सारा कंफ्यूजन ही आपका दूर हो जाए कि कहां पर उष्ण कटिबंध है, कहां पर शीतोष्ण कटिबंध है, कहां पर कर्क रेखा का निर्धारण है, कहां पर गर्मी होती है, कहां पर सर्दी है, और जो लास्ट में आपको कोने दिखाई दे रहे ये वाले और ऊपर, यहां ये क्या है, शीत कटिबंध है, यहां कभी सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं है, यहां पूरे वर्ष भर आपकी बर्फ जमी रहती है। क्या होता है, बर्फ जमी रहती है। देख लिया, बना लिया बच्चों। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। चलिए थोड़ा देशांतर का भी एक इमेज बनाइए, क्या करिए, देशांतर के लिए भी अपना एक इमेज जो है वो आपका बनाइए कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कहां पर खींची होती हैं, कितनी होती हैं, ये एक बार देखें। बना लिया बच्चों। देखिए, जीरो देशांतर से लेकर 180 तक है। ठीक, लिख लीजिए इनको, और देशांतर रेखा देखिए, तो बस आपका रिवीजन का तौर पर आप लोगों को तो फटाफट बता देना चाहिए इसमें, क्योंकि मैं ये पहले भी पढ़ा चुका हूं। चलिए, अब अभी जितना पढ़ा है इसमें कई डाउट है पूछिए, और एक बार देशांतर अक्षांश और उष्ण कटिबंध क्या है ये आप इसमें जानिए, ठीक है, और इनका निर्धारण भी आपको बताना है। ठीक है, देखिए, देख लिया, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आज हमने उष्णकटिबंध शीतोष्ण कटिबंध कैसे बनते हैं, कर्क रेखा मकर रेखा से ऊपर कभी सूर्य नहीं जाता, और इसीलिए जो ऊपर के क्षेत्र हैं उनमें शीत ऋतु पाई जाती है, ये सब कारण आपका पृथ्वी की गति और सूर्य की शिफ्टिंग की वजह से होता है बेसिकली। क्लियर है, कर्क रेखा मकर रेखा, देखिए बेसिकली मैं बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो किसी स्थान का जो स्थिति को बताने के लिए हमें हेल्पफुल करती है, देशांतर रेखाएं हमको टाइम बताने के लिए हेल्प करती है। क्लियर है, इसलिए कहते हैं कि हम भारत का समय वर्ल्ड के समय से 5.5 घंटे आगे है, ये चीज भी मैं आपको कल बताऊंगा कि क्यों आगे है, किस प्रकार आगे है, कैसे इनका निर्धारण है, ये सारी चीजें मैं आपको कल समझा दूंगा। फिलहाल एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए,
तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए इतने, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और सारी चीजों का रिवीजन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आगामी समय में आपकी परीक्षाएं हैं, आप उसके लिए रेडी रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।